नाज़रीन, वेलकम टू मावरास किचन। आज की इस रेसिपी में हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन पुलाव बनाने का तरीका। ऐसा पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसके लिए हम एक पैन पतीला लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसके साथ हमने मसाले रखे हैं, नमक, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च और थोड़ा सा लौंग। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, डार्क ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन नहीं करना। ये हमने एक छोटा सा कपड़ा लिया, इसमें हमने एक चम्मच सौंफ और साबुत धनिया एक चम्मच डाला है, उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, इसका जायका उसमें चला जाएगा तो हम बाद में इसको निकाल लेंगे। अब ये जो मसाले हमने प्लेट में रखे हैं, ये हम चिकन के बाद ऐड करेंगे। इसमें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और साथ ही इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। हमने आधा किलो चिकन लिया, चिकन को हल्का फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल मर जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे थोड़ी देर तक जी। चिकन को अच्छे से भून लेंगे हम। ये हमारा चिकन काफ़ी हद तक भुन चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, दो चम्मच हमने इसमें दही डाला, इसमें हमने बाबू गुटली ऐड कर दिए। पानी अब डालेंगे, 3 गिलास पानी डाला हमने। अब हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। हम चावल भिगो के रखे हैं, 2 गिलास हमने चावल लिए। 10 मिनट हो गया है, पानी हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बॉईल आ रहा है। जो गुठड़ी हमने जिसमें सौंफ और साबुत धनिया डाला था वो अब निकाल लिए, और इसमें अब हम चावल ऐड कर देंगे।
पानी मिला है। चावल ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए कि पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो गया है और अब हम इसको दम करेंगे। दम करने से पहले इस पर हल्का जर्दा रंग डालेंगे ताकि चावलों का कलर अच्छा आए। अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम कर देंगे। 15 मिनट के बाद हमारे चावल रेडी होंगे। इसके ऊपर एक चम्मच गरम मसाला डाला जी, ये हमने दम कर दिया। 15 मिनट तक हमारा पुलाव रेडी होगा जी। आप देख सकते हैं पुलाव हमारा तैयार है। आप इसको किसी अच्छी सी डिश में डाल के सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएंगे जी। दाल चिकन पुलाव तैयार है।